Hey, what's up, guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha, and you're watching Beat Blaster. भाई सब थोड़ा प्यार तो करो, आपकी अलवेश आर्मी कटारिया भाई की वीडियो बना रहे हैं हम, तो प्यार करो वीडियोस को। एंड आज फिर से वीडियो लेके आया कटारिया के कुछ अमेजिंग से मोमेंट्स बिग बॉस के। एंड गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जितनी मेरे को कटारिया की वीडियो शो हो रही है ना, या जितना कंटेंट है, उससे भाई डबल ट्रिपल ज़्यादा कंटेंट मेरे को अलवेश का शो हो रहा है भाई, इससे ज़्यादा बिग बॉस का भी और बाहर का भी, और पूरी जो वीडियो एडिट हो रही है उसमें अलवेश का ज़्यादा वो शो हो रहा है, क्योंकि ये सभी सारे फ्रेंड्स ही हैं और कटारियों को लोग तभी जानते हैं अलवेश की वजह से, जेन्युइन सी बात है ना। तो अलविश को पहले जानते हैं, उसके बाद कटारिया को लोग जानते हैं, साथ में इकट्ठे रहे हैं तो इस करके। बट लोग कई अलविश को ज़्यादा प्यार करते हैं कि कटारिया को करते हैं, कि सारे इनके ग्रुप को, पूरी गैंग को ही, सिस्टम गैंग को ज़्यादा प्यार करते हैं। सो फिलहाल आज वीडियो देखते हैं और इसमें प्ले करते हैं इस वीडियो को, और फिर करते हैं अपने, कल भी ये डिस्कस हुआ था कि फसादिया ने, आज भी ये डिस्कस हुआ है कि फसादिया ने ये। सो फिलहाल इसको प्ले करते हैं, एंड बाकी वीडियोज़ मेरे को इंस्टाग्राम पर भेजते रहो भाई, कटारिया कटोरिया की, अलविश की, जो भी आप चाहते हो। एंड मैं सोच रहा हूँ कि अलविश की भी पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ, उस पर भी रिएक्शन करूँ, तो वो भी देखते हैं। सो फिलहाल ये तो करें पहले प्ले गाइस। कटारिया जी, मैं सुना कि आप ये भी रंग देते हैं कभी कभार। मैं नहीं, मैं कहाँ रखता हूँ सर, क्योंकि आप तो अभी न्यूज़ में मैंने देखा था, तो आपकी मेरे को यही मालूम पड़ा कि लवकेश किसी के साथ किसी को मारने चले गए थे। गांधी जी क्या कह के गए थे हमको? गांधी जी तो ये कह के गए थे कि लेफ्ट गार्ड आगे करे तो राइट पे भी दो। भाई एक ग्रुप में रहने का वो होता है, अलविश रहता है दबदबे के साथ, यहाँ पे भी वही चीज़ है ना कि गांधी जी कहते हैं कोई लेफ्ट गाल पे खाता है राइट आगे करता है तो राइट पे मारो। भाई सलमान खान कौन है? सलमान खान बॉलीवुड के फ्रंट चेयर पे बैठने वाले लोगों में से है। अब तक जितने भी सीजन आए, कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट आए जो सलमान खान के फैन फॉलोइंग को हिला के रख दे? फर्स्ट टाइम हुआ है ये, फर्स्ट टाइम। अब समझो बॉलीवुड के चरम पर जो आदमी बैठा है, उस आदमी को अगर कोई जड़ से हिला सकता है तो वो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से। लवकेश कटारिया आपके दोस्त भी रह चुके हैं और उनपे अभी काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि उनका खुद का गेम नहीं है, वो अलविश यादव को कॉपी करने की। हाँ, ये चीजें मैंने भी सुनी है ना कि अलविश को कॉपी कर रहा है या वैसे कर रहा है। तो गाइस मैं इस चीज को ऐसा मानता हूँ कि कोई किसी को कॉपी नहीं कर सकता भाई, अंदर जाके हर एक की अलग सिचुएशन होती है, हर एक का सिस्टम अंदर जाके अलग होता है। बट मेन चीज ये है कि अब जैसे मैं और नेहा है, सपोज ठीक है, हम दोनों साथ में रहते हैं, हमारी शादी इसलिए हुई है कि हमारी कुछ चीज़ें हैं जो आपस में मैच होती हैं, हमारी जो वाइब है वो मैच होती है, हमारा कुछ बिहेवियर है जो मैच होता है आपस में, इसलिए हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब अलविश कटारिया और एक दो चार दोस्त अर्चित वगैरह ये साथ में रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है इनकी कुछ वाइब है, इन चारों में कुछ चीज़ें कॉमन है, तभी ये साथ में रहते हैं। एंड अगर आप उस सर्कल में रहते हो तो आपका एक वैसा माहौल बन जाता है, उस तरीके के साथ रहने का माहौल बन जाता है ना, असर पड़ता ही है भाई। अब अलविश रहता है एटीट्यूड के अंदर सारा है ना, अपनी पूरी उसके हिसाब से रहता है ना एटीट्यूड में या वो चीज़ें रुतबे में, तो अब बाकी चार है उनमें भी वही वो चीज़ कॉमनली है कि वो चीज़ उनमें आएगी ही आएगी, रुतबा उनके अंदर भी आएगा कि भाई सारे एक जैसे हैं, तभी वो कॉमन चीज़ है। तो वही चीज़ें आप पहले देख चुके हो एक बार अलविश को इस रूप में, और कटारिया भी वैसा ही है, सेम ग्रुप का बंदा है तो सेम चीज़ें, सेम हरकतें होंगी ही होंगी ना, चाहे वो जोक वाली हो या किसी भी तरीके की हो, तो वो चीज़ें होंगी, तो लोगों को लग रहा है ये चीज़ रिपीट कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। किस कर रहे हैं आप तो उनके साथ रह चुके हो, तो आपको क्या लगता है? नहीं, मैं दो तीन को पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोगों की दोस्ती तभी होती है जब हम एक जैसे होंगे, और यादव की और इसकी कटारिया की दोस्ती को मुझे लगता है काफी साल हो गए हैं, तो कोई ना कोई चीज इन लोगों की मैच करती होगी, तभी ये लोगों की दोस्ती आज तक कायम है। और उसमें वो स्टाइल भी हो सकता है कि जो दोनों का मैच करता है, और इसलिए लोगों को लग रहा होगा क्योंकि यादव को लोग पहले देख चुके हैं इस खेल में, और दोबारा लोग उसी उसी तरीके से देख रहे हैं कि दूसरा भी बंदा वैसे ही आया, तो इसलिए लोग बात कर रहे होंगे, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। भाई तो मुझे 20 बात बोल ले, ठीक है ना, पर मेरी ऑडियंस को कुछ मत बोल, वो मेरे को प्यार करके यहाँ तक पहुँचाए, ठीक है? तुमने बोला ना ऑडियंस कौन होगी जो देखती होगी इसको, भाई बहुत बढ़िया, मतलब भगवान है। आपका गाना सुना भी मैंने, डाकू, वही गाना मैंने सुना, टॉप पे वे बंदी तेरी, टॉप पे वे सिस्टम। नहीं वो समझ भी नहीं आया, देखो समझ ये चीज ना, ऑडियंस कौन होगी जो देखती होगी इसको, भाई बहुत बढ़िया, मतलब भगवान है। ऐवे जानी ना तू जाली ने नहीं आ रिया, टॉप पे वे बंदी तेरी, टॉप पे वे सिस्टम। आपका गाना सुना भी मैंने, डाकू, भाई बहुत तगड़ा गाना। भाई बादशाह को फोन कर दिया, ये लाइन के पीछे बादशाह को फोन कर दिया भाई, आगे देखो बहुत तगड़ा, मेरी बात तो सुनो भाई, वो आपने लिखा है क्या वो आगे की लाइन, वो टॉप पे वो बंदी तेरी, टॉप पे वो सिस्टम। लिखा तो मैंने, लेकिन मुझे पता वो तेरे साथ रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ ऑब्वियसली नहीं है भाई, मेरे पे भेज रहे हैं सब, कह रहे हैं भाई टॉप पे वो सिस्टम। नहीं मन में जो आएगा मैं करूंगा, तो करूंगा ना,
ऐसा कैसा करेगा भाई, मेरे भी मन में आएगा फिर कुछ भी कर रहा है। मेरे तो बिन बात के मतलब ठीक है ना, आगे बात समझ मैं कर दूंगा, समझ में आया ना, जो करना है कर, क्या करना है कर, क्या करना है तेरे मन में जो आएगा वो करेगा, करूंगा कर फिर कर रहा हूँ वो। तुम्हें नेजी को खौफ पड़ा भाई थोड़ा सा, तुम लोग क्यों आपस में झगड़ रहे हो? अरे ये भाई नेजी क्या डर दिख रहा है साहब, हम भी आ गए भाई, क्या बात है, मैं आ गया, मैं ही आ गया भाई, जबरदस्त दिन यहाँ नहीं थी मेरे साथ, सेम शर्ट भाई है ना, लो आप सोच रहे होंगे कि एक ही शर्ट है, उस दिन यहाँ नहीं थी तो उस दिन मैंने यही लाइन बोली, जब इससे पीछे लाइन बोली ना कि नेजी की आंखों में सामने डर दिख रहा है, तो उस दिन भी मैंने पर्टिकुलरली इसी लड़ाई पे रिएक्शन करा था, तब भी मैंने ये चीज़ की भाई नेजी की आंखों में डर दिख रहा है, साफ दिख रहा है, तो वही चीज़ मैंने दोबारा भी रिपीट करी, आगे मेरी वीडियो भी दोबारा पूरी देख, मेरे मन में जो आएगा वो करेगा, कर फिर कर रहा हूँ वो तुम्हें। तुम लोग का मुद्दा क्या, तुम लोग क्यों आपस में झगड़ रहे हो? अरे ये भाई नेजी की आंखों में डर दिख रहा है, साफ दिख रहा है डर, और वो भी शांत हो गए, उसको आगे समझ, मेरे ख्याल से उसको पता नहीं है नेजी के बारे में कैसा ग्रुप है इनका भाई। बल्ले बोलते ना हथियार बोलते, अपनी वीडियो पे रिएक्शन करने में बड़ा मजा आता है बाहर वाला से हार गए हैं, ये बाहर वाले को पहचानने में बिल्कुल, ये कटारिया को गाइस कहते हैं बाहर वाला, इस चीज का मेरे को लॉजिक समझ नहीं आया कि पूरा किस वजह से ये चीज क्यों स्टार्ट हुई, बाहर वाला क्यों कहा जाता है, मेरे को ये जरूर बताना कमेंट्स में है ना। एक बार मीठी मीठी सी वाली अभी भी बाहर वाला है, आप कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट होना अच्छा, पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो या कॉन्फिडेंट हो आई डोंट नो, बाहर आपके सपोर्ट में कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहा भाई, बड़ों की रिस्पेक्ट होती है, हमारे घर वालों ने भी खूब अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छा सिखाया है, हर चीज की कदर है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी तक दबेंगे यहाँ पे भाई, दबन ना आए। लव तुम कहाँ से हो? मैं तो गुड़गांव। गुड़गांव गुड़गांव नाइस। What do you do? मैं आप स्काई डाइविंग के बारे में सुना है? तो मैं AAA+ स्काई डाइवर हूँ, नरेला से स्काई डाइविंग करवाता हूँ। भाई साहब ये तो आपको नहीं बता दिए भाई, सच माने लग पड़े। लास्ट सीजन में एलविस ने भी कुछ कहा था, उसके कुछ कहा था कि आप क्या करते हो, मेरे पास कुछ कुछ है। हाँ, वो अपने बिजनेस बताते रहता है अलग अलग, कुछ ऐसे है ना कि हम बर्तन भाजते हैं या कुछ हमारी इसकी दुकान है या कुछ ऐसा बताते रहता था वो भी, यहाँ इसमें भी ये भी सही चीज सेम। मुझे नहीं पता सॉरी भाई, स्काई डाइविंग मेरा बचपन से शौक रहा है, मैंने अभी तक कम से कम नहीं तो कितनी कर ली, 775 जंप्स मार ली होंगी, मैंने अराउंड लगभग 400 तो नहीं, 400 ज्यादा बोल गया मैं, शायद 380 के आसपास लोग ट्रेन करें, और मेरी सिंगल जंप्स हो चुकी है, मैंने जितना नंबर बताया आपको। स्काई डाइविंग इज वन ऑफ माय विशेस, मैं AAA+ सर्टिफाइड हूं भाई। 400 आपकी सिंगल हो चुकी है ना आपने कहा? नहीं नहीं 700 बोला, 700 सिंगल हो चुकी है। यस सर, और मेरे को तो स्टंट मारने भी आते हैं हवा में, रेक्टेंगल वेक्टेंगल बनना, जो 3-4 लोग कूद गए तो सारा उसका खेल है बैलेंस का, मतलब ऐसे दोनों हाथ रखोगे तो आप ये हाथ हटाते ही रोल हो जाएगा बंदा। ऑफ कोर्स भाई, तुम्हारा नाम आते दड़ियल है, दड़ियल तुम्हारी भी तो दाढ़ी है ब्रो, तुम्हारी मस्त है, ठीक है मत दो भाई, आई टेक माय दड़ियल बैक, तुमको बिग बॉस में नहीं ब्रो, एनिमल प्लेनेट पे होना चाहिए था, एनिमल में मैं शेर हूं ना, ओपनली कैसे सपोर्ट कर रहे इसको भाई तुम, मतलब साफ साफ उसके अगेंस्ट जा रहे हो उसको, सीधी बात है ब्रो, मेरा दोस्त है ना यार। तो मैं AAA+ स्काई डाइवर हूँ, नरेला से स्काई डाइविंग करवाता हूँ भाई, स्काई डाइविंग मेरा बचपन से शौक रहा है, मैंने अभी तक कम से कम नहीं तो कितनी कर ली, 775 जंप्स मार ली होंगी। यू ट्रेन पीपल एज वेल? ऑब्वियसली भाई, मैंने अराउंड लगभग 400 तो नहीं, 400 ज्यादा बोल गया मैं, शायद 380 के आसपास लोग ट्रेन करें। जवाबों के घेरे में है अलीश यादव के भाई कटारिया, घेरे में तो कोई हमें ले ही ना सका है चौहान जी, जयपुर के किले वर्गा, तुम्हारे बाल है रंगीन, हाथ में तेरे है गुट्टी, तेरे बाल है रंगीन, हाथ में तेरे है गुट्टी, जाना तेरे बाल है रंगीन, हाथ में तेरे है गुट्टी, हाँ प्लीज सो जा मेरी बेटी, लौंडा दे चढ़ा, हाँ चढ़ा दो, चढ़ा दे, चढ़ा दी, चढ़ा दो, चढ़ा दो, मंडी मंडी संडी जोन से लौंडा भी चढ़ा ऊपर, हाँ बस ठीक है ठीक है कोई। ओ भाई ये को तो बच्चों में क्यों लगा हुआ, मंडी मंडी जोन तेरे को पता है,
भाई ये लड़कों वाली चीज है, अंटी मंडी चलती है, वो भी कह रही लड़कियों कह रही चढ़ा दो चढ़ा नहीं, इस गेम में लड़कियों के बीच में आए थे अंटी मंडी में खेलते थे, इस वाले में कोई भी नहीं लड़की भी नहीं छोड़ेगी। बिग बॉस ओटीटी आप फॉलो कर, हाँ कौन आपको अच्छा लग रहा है? कटारिया। कटारिया क्यों? कटारिया ही मैं फैन हूँ सबका, एल्विश एंड इनका, इनकी पूरी आर्मी का फैन हूँ। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं कटारिया में एल्विश यादव की झलक दिखाई दे रही है? देखो जब सारे बंदे एक साथ बैठते हैं तो झलक तो रहती है। अब मैं मेरे दोस्तों के साथ कहीं जाऊंगा तो हमारा नेचर भी जहाँ तक है मैच हो रहा है, तभी तो कुछ चीजें मैचिंग है, तभी तो हम साथ में रहते हैं, तभी तो दोस्त। ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं कॉपी कर रहे हैं? कॉपी तो नहीं, वो उसका नेचर ही ऐसा है, ब्लॉग्स में भी देखते हैं हम तो, बाकी तो जीतने लग रहा है कि ओरिजिनल पर्सनालिटी बाहर आई है, फेक नहीं है घर? नहीं फेक तो नहीं है, जो है वो दिखा रहा है। मेरे साथ करी बदतमीजी। तू है कौन मेरे लिए? कैसा गांव की जैसे भैंस चला, भैंस चरा, ये गांव में कैसे रैपटे मारेंगे ना? साले चला जा यहाँ से, आगे बात समझ में। बदनाम देख ले एक पास छोरा कल्ला दूध। मैं भाई इस घर में अभी से विनर मान चुका हूँ कटारिया, इज डैम गुड, और मैं किसी को विनर नहीं मान रहा, चाहे वो कितना अच्छा खेले कितना ना खेले। किस पे शक है तुम पे? ये बताओ किसको, तुम्हें किस पे शक है? मैं को तुम पे सर पे, पर बालक कह रहे हैं कि सना मकबूल है। तुमने खाना बनवाया आज, बाकी को दबा देते हो, खाए पीना टाइम पे भाई? कौन सा? दोपहर में खाऊं चाहे ना खाऊं मेरी मर्जी है ना, बनवाऊंगा तो पहले बनवाऊंगा। तुम कौन हो यहाँ के जो तुम ऑर्डर देते फिरते हो? ऑर्डर खाना बना लो, ये कर लो वो कर लो, प्रधान होगा कहीं के? हाँ प्रधान दिखता तो नहीं, तुम भी नहीं दिखते कहीं के। हमें बता हम कहाँ दिख रहे हैं, ठीक है ना? वो सब माल ये पाछे हट रैपट पड़ेंगे भटाई भट। सब्जी में मसाला पड़ चुका है, सेब हम खा गए। Who ate my apple? कोई नहीं बोल रहा यार। अंडी मंडी ठंडी चढ़ा दे। Shit यार। भाई क्या चीज पकड़ लिया भाई इन्होंने, अंडी मंडी ठंडी चढ़ा दे भाई। So ये थी वीडियो गाइस। Yes. ये थे कुछ मोमेंट्स कटारिया के, कुछ अमेजिंग थे मोमेंट्स। अभी कुछ है नहीं भाई, लड़ने वाले हैं नहीं आपस में, कुछ अभी कंटेंट निकल नहीं रहा है, बट जल्दी ही निकलेगा क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ एंट्रीज होने वाली है, वाइल्ड कार्ड एंट्री की वजह से हो सकता है। जो मैंने आपको कल पिछली वीडियो में बताया था कि जो राउंड टू हेल वाले हैं, क्या नाम है, जैन सैफी भाई है या वो है शायद, या मेरे को नाम नहीं पता उनका प्रॉपर, तो वो आ रहे हैं शायद, सुनने में तो ये है वो आएंगे, फिर होगी भाई पूरी वन टू वन फाइट, एंड फिर होगा पूरा कंपटीशन, एंड फिर होगी भाई आगे की बात क्या होता है। सो बाकी फिलहाल ये थी वीडियो, होप सबको पसंद आई होगी, एंड अगर आप चाहते हो हम कटारे की और ज्यादा वीडियोस लेके आए तो जरूर कमेंट करके बताना, एंड अगर आप चाहते हो हम एल्विश की वीडियो लेके आए तो वो भी बताना जरूर, कि या दोनों की मिक्स लेके आए एल्विश और कटारे की, वो बढ़िया रहेगी मेरे ख्याल से, तो बताना जरूर। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।